प्रियंका भी हमारे साथ गाजीपुर से डटी हुई हैं। प्रियंका, वहां आपको कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है कि क्या कोई खबर? प्रियंका लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, सुरक्षा बल को मिली है ये बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी है कि मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए हैं और ये बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इन 3 आतंकियों को ढेर करना सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और इससे एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के लिए मानी जा रही है। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, कैसे मिली बड़ी कामयाबी? देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था पुलवामा के गांव में, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पे 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। अर्ली जो फायरिंग हुई, इनिशियल फायरिंग के बाद फिर से जो फायरिंग हुई, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए और उनकी बॉडीज रिकवर की गई। लेकिन उसके बाद 1 मिलिटेंट जो था उसको ऑफर किया गया था, उसको बोला गया था सरेंडर करने के लिए, लेकिन उसने नहीं माना। उसके बाद फिर से दोबारा जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अभी जो खबर आ रही है, 3 मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक अल बदर से है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन एसेटेंट की जाएगी और उसके बाद ही पुलिस की तरफ से बाकी डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद फिर से साउथ कश्मीर में एनकाउंटर हुआ और अभी 201 जो है मिलिटेंट मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में अभी तक। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो एनकाउंटर हुआ, इसके साथ ही 201 मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं इस साल जनवरी 1 से लेकर अब तक। चलिए रिफत, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। और आइए एक बार फिर से किसान आंदोलन की खबर पर लौटते हैं।